दोस्तों, मेरा नाम समीर सेफी है और आज का हमारा टॉपिक है इनएलिजिबल आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल्स, जो कि सेक्शन 17 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनएलिजिबल आईटीसी मींस होता है कि ऐसा आईटीसी जिसका आप बेनिफिट नहीं ले सकते या जिसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते GST R3B की रिटर्न फाइल करते टाइम, ठीक है। और इसका जो सेक्शन कवर होता है ये होता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का एक ये पार्ट है जिसको आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो बताता है, ये बताता है ब्लॉक क्रेडिट के बारे में, ठीक है। अब ये हम बात करते हैं। देखिए, जनरली जो क्लाइंट्स के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं कि हम गाड़ी परचेज करें, इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं या नहीं। और एज पर लॉ जनरली कोई आईटीसी क्लेम नहीं कर पाता, बट कुछ एक्सेप्शन है जिसका आईटीसी वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं कि मोटर व्हीकल्स पे किस किस चीज़ पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। देखिए, जब भी आप शोरूम जाते हैं और गाड़ी परचेज करते हैं तो इस गाड़ी पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। और इससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं लाइक इंश्योरेंस, रिपेयर या XYZ जो भी होता है, गाड़ी से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, आप उसका आईटीसी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अभी हम इसको समझते हैं कि कंडीशन क्या है जिसका आईटीसी हम ले सकते हैं। तो इसमें देखिए कंडीशन दी है, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल ऑन मोटर व्हीकल्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, यानी कि आप बोलें कि आप अपनी फैसिलिटी के लिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मतलब परचेज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में मोटर व्हीकल्स, उसका आप आईटीसी ले नहीं पाएंगे। किस कंडीशन में? कंडीशन है कि अगर उसकी सीटिंग कैपेसिटी लेस देन या अप टू 13 है इंक्लूडिंग ड्राइवर्स, इस केस में आप इसका आईटीसी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन आता है अगर हम कोई भी मोटर व्हीकल्स परचेज करते हैं जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में हम कर सकते हैं आईटीसी क्लेम? यस, आप इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अभी इस देखिए ये बात करता है कि ये गाड़ी से रिलेटेड जो खर्चे हैं उसके बारे में बात करता है। आईटी इज नॉट अवेलेबल ऑन सर्विसेज बात कर रहा है, किस टाइप की सर्विस? ऑन जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऐसे मोटर व्हीकल से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है, आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब वो जिसमें भी यही सेम बात करता है सीटिंग कैपेसिटी को लेकर, सीटिंग कैपेसिटी इतनी है, अगर देखिए कोई भी आप एक्सपेंस करते हैं उस मोटर व्हीकल्स पर जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 14 या उससे ज्यादा है तो आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें चलिए इससे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन है वो हम पढ़ लेते हैं कि आप देखिए यू कैन स्टिल क्लेम आईटीसी फॉर किस चीज का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर एक्सीड करता है 13 से, यानी कि सीटिंग कैपेसिटी एक्सीड हो जाती है 13 से, तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और इसमें ड्राइवर की शील्ड भी इंक्लूड है। अब देखिए इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं आप वो देख लीजिएगा। अगर कोई भी आप मोटर व्हीकल परचेस करते हैं किस चीज के लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इसका आईटीसी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आता है सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल का मतलब है कि अगर तुम कोई भी बिजनेस करते हो, बिजनेस रिलेटेड होता है मोटर व्हीकल से लेके, मींस के कोई गाड़ी आप परचेस करते हो देन आप उसको सेल कर देते हो, उससे रिलेटेड आप आईटीसी को क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि देखिए मेरा शोरूम है गाड़ी का, इसमें एक एग्जांपल है कि मेरा गाड़ी का शोरूम है और मैंने एक गाड़ी अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाली, पर्सनल या बिजनेस के यूज़ के लिए मैंने निकाली, क्या उसका आईटीसी मैं क्लेम कर पाऊंगा? इसका आंसर है नो, आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। ओनली उसी व्हीकल्स का आप आईटीसी परचेस कर सकते हैं जिससे रिलेटेड आप डील कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का मीन्स है कि कोई भी आप कमर्शियल गाड़ी परचेस करते हैं पैसेंजर के लिए तो उसका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं बोल सकता हूँ कि ये येलो प्लेट वाली गाड़ी होती है जिसको टैक्सी या फिर ओला उबेर बोल देते हैं, तो आप मतलब ओला उबेर वाले भी अगर कोई व्हीकल परचेज करते हैं तो उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, या फिर जो ड्राइवर जो गाड़ी वहाँ पर ओला उबेर में अपने लगाते हैं वो भी उसका आईटीसी परचेज कर सकते हैं। दिस आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग एक स्कूल होता है ना, जो ड्राइविंग स्कूल होता है, ठीक है। ड्राइविंग स्कूल में रिलेटेड भी वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो इसका भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये यहाँ मैंने मेंशन किया है, यू कैन क्लेम आईटीसी इवन योर सीटिंग कैपेसिटी इज अप टू 13, मतलब आपकी सीटिंग कैपेसिटी 13 है, उसके बाद भी कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जैसा कि आप देखिएगा अपना
फर्स्ट आता है कि आईटी रेलवे इन रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द सप्लाई सच मोटर व्हीकल्स, यानी कि वो सप्लाई दे रहा है मोटर व्हीकल्स की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया सिटिंग कैपेसिटी उसकी 13 से कम है तब भी उसका ITC वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। अब इसमें दूसरी कंडीशन है आईटी रेलवे द रजिस्टर्ड पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर आ गया, जो कि मैंने आपको शॉर्ट में समझाया था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर आता है तो उसका भी आप ITC क्लेम कर सकते हैं, चाहे उसकी सिटिंग कैपेसिटी 13 से कम हो। तभी मैंने बोला कि ओला उबेर की जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी सिटिंग कैपेसिटी कम होती है तब भी उसका ITC को क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपना थर्ड पॉइंट आ जाइए, थर्ड पॉइंट आईटी रेलवे द रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन वो, यहाँ देखिए रजिस्टर्ड पर्सन हमेशा मेंशन है बिकॉज रजिस्टर्ड पर्सन ही ITC क्लेम या उसका बेनिफिट ले सकता है। तो वो प्रोवाइड ट्रेनिंग, देखिए ट्रेनिंग या ड्राइविंग ऑन मोटर व्हीकल्स, यानी कि आप बोल सकते हैं और ट्रेनिंग स्कूल है जो मोटर व्हीकल्स चलाना सिखाता है, तो वो भी 13 से कम कैपेसिटी है इसकी सिटिंग कैपेसिटी तभी उसका ITC क्लेम कर सकता है। फोर्थ पॉइंट पर आ जाइए अपने, ITC अवेलेबल ऑन मोटर व्हीकल्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो तब भी आप उसका ITC क्लेम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी की बात नहीं की है बिकॉज ये जो व्हीकल है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। फिर इसका आता है कि ITC अवेलेबल ऑन सर्विसेज ऑफ जनरल, यानी कि ये बात करता है कि हमारे जो मोटर व्हीकल्स रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं क्या हम ले सकते हैं। ये बोलता है यस आप ले सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से, अगर रिलेटेड कोई भी आप व्हीकल है उसका कर सकते हैं। इसके बाद में हमने सिक्स पॉइंट में बताया ITC अवेलेबल ऑन सर्विसेज जनरल इंश्योरेंस। देखिए ये भी खर्चे की बात करता है, बट ये खर्चे की क्या बात करता है, ये खर्चे की करता है पहले पॉइंट सेकंड और इसको। देखिए इसको तो इस पॉइंट को तो इसने कवर कर लिया, बट इन बाकी तीन पॉइंट्स को हमारा सिक्स पॉइंट कवर कर सकता है कि यदि आप कोई भी गाड़ी का खर्चा करते हैं गाइड से रिलेटेड तो उसका ITC आप क्लेम कर सकते हैं। एक इसमें छोटा सा पॉइंट हो जाएगा अपना, देखिए अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई सप्लायर है तो मैंने इन दो को भी कवर किया है, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर को कवर किया है। जब ये मोटर व्हीकल्स बनाते हैं या इंश्योरेंस या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इनकी भी एक अपनी कॉस्ट होती है, तो क्या ये उस एक्सपेंसेस का ITC क्लेम कर पाएंगे या नहीं, ये एक हमारा क्वेश्चन होता है। तो यहाँ बता दें मैन्युफैक्चरिंग कोई भी गुड्स परचेज करता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए तो उसका ITC वो क्लेम कर सकता है, ऐसे ही सप्लायर ऑफ जनरल इंश्योरेंस ये भी ITC क्लेम कर सकता है।